जुहार हजारीबाग चमेली झरना में जमन को निकालने की कवायद अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगभग 12 घंटे तक लगातार काम करने के बावजूद भी अभी तक जमन के बॉडी का कोई पता नहीं चला। ये चमेली झरना इतना खतरनाक है कि 60 से 100 फीट तक गड्ढे हैं इसमें और पत्थर की बनावट इस तरह है कि उसमें आशंका है कि बॉडी जो है अंदर फंस चुकी है। यही कारण है कि निकलना इतना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले 3 बजे लगभग जमन अपने दोस्तों के साथ चमेली झरना, जो हजारीबाग नेशनल पार्क से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे गए थे घूमने के लिए। उस दौरान स्विमिंग के दौरान बाकी 5 लोग तो वहाँ से बच गए, लेकिन जमन अंदर रह गया। एक दिन बहुत जिद्दोजहद हुआ, लोग खुद निकालने की कोशिश करने लगे, उसके परिवार वाले वहाँ पहुँचे, परेशान हुए। उसके बाद एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया। एनडीआरएफ आज सुबह 6 बजे से लगातार ऑपरेशन कर रहा है और 12 घंटे तक लगातार निरंतर ऑपरेशन करने के बाद भी अभी तक बॉडी का कुछ अता पता नहीं चला। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खदान जो है कितना ख़तरनाक है। इस खदान में जाएं तो ध्यान से जाएं, और अभी तक का जो अपडेट है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक एनडीआरएफ ने पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन बॉडी अभी तक ऊपर नहीं आया। अंदर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बड़े बड़े पत्थर हैं, नोकीले पत्थर हैं, इसीलिए बॉडी ऊपर आने में बहुत परेशानी हो रही है। एनडीआरएफ की टीम ने अपनी हर तरह की के पैंतरे अपना लिए, पूरा तरह से बोट को घुमाया, पानी में वेव बनाया, लेकिन फिर भी बॉडी ऊपर नहीं आ पाया। इस मसले को लेकर हजारीबाग के SP क्या कहते हैं और लोगों को क्या ताकीद करते हैं, वो भी सुनिए। ये हम लोग की एक सूचना मिली है कि वहाँ पर 4 लड़के नहाने गए थे, 4 या 5 लड़के नहाने गए थे, उसमें से एक लड़का की डूबने की आशंका है। तो ये मैं बता दूं कि चमेली झरना पद्मा और ये इचाक थाना के बॉर्डर पर है, और पूर्व में ये वहाँ पत्थर का खदान हुआ करता था, तो उसमें पानी लगा हुआ है, लोग वहाँ पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, उसी में अपना खाते पीते हैं, खाते पीने के बाद उसमें नहाते आते हैं। उसी दरमियान वहाँ काफ़ी ये वो जो पत्थर का पूर्व में खदान रहा है तो काफ़ी केव टाइप का है, कहीं अंदर गड्ढा है, कहीं ये है गुफा टाइप का, तो हो सकता है कि उसमें वो फंस गया हो बच्चा, और जब फंस गया होगा तो हो सकता है कि उसकी मौत हो गई है। हम NDRF की टीम को बुलाए हैं, सुबह से खोजबीन जारी है, संभावना है कि हम लोग सफलता पा लेंगे, डेड बॉडी निकल जाएगी। हजारीबाग वासियों से क्या अपील करें, क्योंकि खदान वो डिजर्टेड है, वहाँ कोई जाता नहीं है, तो लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, हमारा ये अपील रहेगा कि जाएं पिकनिक मनाएं, लेकिन ये नहीं है कि अब उसमें जाके जो गड्ढा एरिया है वहाँ पर जाके नहाएं, शराब पी के या ये करके जो काफ़ी डीप एरिया उधर नहीं जाए। मैं ये अपील करता हूँ कि नए नए बच्चे जो भी हैं अपना जाए पिकनिक मना के वहाँ से लौट जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी आदमी वहाँ पर जा रहा है पिकनिक मनाने तो जाके नहाए ही।